और ये इसे जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन निर्गत कोण ई। चाहे तो आई क्या बनेगा अपना, आपतन कोण। आर क्या बनेगा अपना, अपवर्तन कोण। और ई बनेगा अपना निर्गत। ठीक है, चाहो तो आप इसको आई वन कह सकते हो, इसे आर वन कह सकते हो, इसे आई टू कह सकते हो, इसे आई टू कह सकते हो। यह हमेशा ध्यान रखना कि जो ये आपतन कोण है, ये निर्गत कोण के क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। और ये अपना एक प्रैक्टिकल भी आएगा जब अपन 12th के प्रैक्टिकल्स करेंगे। ठीक, जो दो प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक मेजोरिटी होते हैं और एक माइनर होते हैं, मेजर और माइनर। तो माइनर में अपने पास ये एक्टिविटी है जिसको अपने को करने को मिलेगी, जिसमें आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आई एंगल जो होता है वो ई एंगल के इक्वल होता है। और ये सारा डायग्राम आपको खुद को इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अभी तक तो सिर्फ अपने हाथों से बनाया है केवल नॉर्मल, उस समय आपको स्केल वगैरह यूज़ करके बनाना पड़ेगा डायग्राम। इसकी खास बात और है एक चीज़ कि ये जो कोण है, ये जो किरण है वो कौन सी किरण है आपकी, आपतित। मतलब ये जो दिशा है वो आपतित किरण की दिशा है। मतलब अगर इसका ये स्लैब नहीं होती तो ये जो किरण है या माध्यम चेंज नहीं होता तो ये किरण कहाँ जाती है, बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन अपवर्तन की वजह से ये किरण कहाँ से जा रही है आपकी, यहाँ से। मतलब इसको भी अपन आगे ड्रॉ करें, पीछे की तरफ बढ़ाएं इसको, तो ये कुछ इस तरह की नजर आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो है वो आपतित किरण की दिशा है और ये अपनी निर्गत किरण की दिशा है। ये दोनों लाइंस हमेशा कैसी मिलेंगी आपको, एक दूसरे के समांतर मिलेंगी, एक दूसरे के समांतर मिलेंगी, तथा इनके बीच में क्या होगी, कुछ दूरी होगी, जिसे कहते हैं अपन कैपिटल डी भी कह सकते हैं, स्मॉल डी भी कह सकते हैं। इसको बोलते हैं अपन पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन मतलब कि जो आपतित किरण की दिशा है और जो निर्गत किरण की दिशा है उनके बीच में कुछ क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, या आपतित किरण की दिशा निर्गत किरण की दिशा से कुछ दूरी पर स्थित होती है, उनके जो बीच की दूरी होती है इसे क्या बोलते हैं अपन, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये पार्श्विक विस्थापन की डेफिनेशन आपके बोर्ड में पूछी भी जा चुकी है। ठीक है ना, तो ये तो हुआ अपना पहला उदाहरण अपवर्तन का, क्या किसी भी कांच की स्लैब से अपवर्तन किस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। हाँ, नेक्स्ट है अपना सेकेंड एग्जांपल, द्रव से भरे किसी पात्र में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये अपन ने जनरल भी देखा है कि मान लीजिए कोई भी अपन